कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इसको लेकर केंद्र और उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे में अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं कोरोना के किसी भी खतरे का सामना करने के लिए उधम सिंह नगर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित लोगों के टेस्ट में तेजी लाई गई है। लोग भी आगे बढ़कर कोरोना के लिए टेस्ट करवा रहे हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के DM युगल किशोर पंत ने बताया कि एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। उधम सिंह नगर जिले में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। जैसे ही कोरोना नियमों को लेकर नए नियम आते हैं, वैसे ही कोरोना नियमों का पालन कराया जाएगा। पंत ने बताया कि अभी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन अगर सरकार गाइडलाइन देगी तो मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। DM ने बताया कि सभी कोविड हॉस्पिटल भी तैयार हैं, साथ में लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील DM ने की है। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था मौजूद है और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो हमारे रेडी स्टेट पे हैं। अगर कहीं इस तरह के कोविड वेरिएंट आता है और इन्फेक्शन फैलाता है तो हम लोग इलाज के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ हमने हिदायत भी जारी की है कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस है, और उसके साथ साथ संभव हो तो मास्क का भी इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी तक मास्क मैंडेटरी नहीं था, तो जैसे मास्क मैंडेटरी की डायरेक्शन आती है तो हम सभी से मैंडेटरी इसको इम्पोज कराएंगे। अभी हम लोगों से वॉलंटरीली अपील कर रहे हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी 1.5 मीटर से ज़्यादा बनाए रखें। हाँ, हमारे जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, वो रेडी स्टेज में हैं, और अगर कहीं भी इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो इलाज के लिए हमारी टीम मौजूद। उत्तराखंड सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लोगों से की है। तो वहीं वैक्सीन के बूस्टर डोज में तेजी लाने पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। आम लोगों को भी आगे बढ़कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। पंजाब केसरी TV के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।